आखिर बजाज फाइनेंस ने पत्रकार को ही आज जो ठग लिया। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने, सरनजीत सिंह एक जाने माने पत्रकार यहां पर पहुंच रहे हैं। एक फोन आता है, जी हां एक फोन आता है, और एक फोन आने के बाद इन्हें कहा जाता है कि आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वो बिल्कुल फ्री है, पर लेकिन जब क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो उसके बाद इनको जब तेल डलवा लेते हैं उसके बाद एक बार इनसे बातचीत पूरी जान लेते हैं। क्या कुछ बताएंगे सरनजीत, क्या किस तरीके से ठग लिया बजाज? अच्छा मैं बताता हूँ, बजाज फाइनेंस का आप सभी ने सुना है किस तरीके से फ्रॉड होते हैं, हर जगह ठगी करते हैं बजाज फाइनेंस से। आज खुद मैं भी ठगा गया हूँ, 5 से 6 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा ठोका है और इन्होंने मेरा सिबिल स्कोर भी डाउन कर दिया है। हुआ क्या कि मैं बजाज फाइनेंस से पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ और मेरे किस्तें कुस्तें कटती रहती थी, सब क्लियर था। तो एक दिन कॉल आती है कि आप प्लीज़ एक क्रेडिट कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको फ्री में दिया जाएगा, ये फलाना बेनिफिट होगा वो होगा। तो ये RBL का एक क्रेडिट कार्ड है जो इन्होंने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। मैंने मधु पेट्रोल पंप से 3,804 रुपये का कुछ स्वाइप करके पेट्रोल डलवाया, उसके बाद 3,000 का ऑर्डर लगाया, यानी कि मैंने कुल खरीदारी 6,000 की करी। 6,000 की खरीदारी करने के बाद जो है मैं जैसे ही बिल पेमेंट करता हूँ तो मुझे एक दिन कॉल आती है कि आपका 14,000 है। मैंने खर्चे 6,000 आया तो मेरे पास बिल आता है 14,000 का। तो जब मैं इनके दफ्तर में जाके पूछता हूँ कि मुझे 14,000 रुपये किस बात के आए हैं, तो कह रहे हैं जी आपके 6,000 का 7,000 का आपने खर्चा किया है, 6,000 जो है इस कार्ड की फीस है जो कि आपको देनी पड़ेगी, और नहीं तो आपका हम सिबिल स्कोर डाउन कर देंगे। सरनजीत एक बात बताइए, आपको किस व्यक्ति का फ़ोन आया था, कुछ है उसका आता पता? ऐसा है ट्रू कॉलर पे आया था, मैंने फ़ोन जो है देखा नहीं, अब इसमें ट्रू कॉलर के नंबर जो है डिलीट हो चुके हैं। इन्हीं की तरफ से, ये बजाज फाइनेंस की तरफ से कॉल आई थी कि आप, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे? हम मेरे पास आया, मेरी गाड़ी में बैठ के उसने मेरे मोबाइल से एडिट करके ये कार्ड को अप्लाई किया था और फिर हफ्ते के अंदर मेरे घर पे आ गया था। मैंने बड़े चाव चाव में इसको स्वाइप किया, ला जी कार्ड आ गया बजाज फाइनेंस का, और जब देखा उन्होंने 6,000 रुपये ठग लिए। इन्होंने क्या बोला है कि आपको एक कॉल आई थी, आपने वहाँ पे अपग्रेड किया है, और कॉल पता क्या आई थी कि सर आपका कार्ड है बजाज फाइनेंस का, वो हम डिस्पैच कर दें। मैंने कहा हाँ जी कर दो, तो वो क्या करते हैं हाँ जी कर दो को रिकॉर्ड कर लेते हैं और कहते हैं जी इसका मेंबरशिप ऐड कर दो। तो ये फ्रॉड कॉल है, आपके पास कोई भी बजाज फाइनेंस की कॉल आए ना, आप भूल के भी मत उठाना। अगर आपने उठा लिया ना, या तो आपके खाते में से पैसे कट जाएंगे या आपका सिबिल स्कोर जो है वो डाउन कर दिया जाएगा। तो जी हाँ 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 बोलने पर सरनजीत के 6,000 रुपये ठग लिए, और फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस ने यह पूरा कांड किया है। और बजाज फाइनेंस आज से नहीं पहले से इस तरीके से सुर्खियों में लगातार रहता है। कस्टमर्स के पास कॉल आते हैं फ्री में डेबिट कार्ड देंगे, पर डेबिट कार्ड के नाम पर 6,000 रुपये ठग लिए जाते हैं। ये मेरा नाम लिखा हुआ है सरनजीत सिंह के नाम से है, बकायदा बजाज फिनसर्व का इन्होंने यहाँ बैजिंग दे रखी है और RBL बैंक है। तो फोन आता है, फोन में क्या कहते हैं, फोन आते हैं कहते जी हमारा तो RBL से कनेक्शन ही कोई नहीं। भाई तुम्हारा कनेक्शन नहीं है, तुमने ये फिर बजाज के साथ क्यों टाई अप कर रखा है? यहाँ आके जब थोड़ा सा इनके साथ बातचीत करी, इन्होंने अब कहा है कि आप पेमेंट कर दो, हम आपके पैसे रिफंड करवा देंगे। अभी इन्होंने मेरे से 14,000 रुपये की पेमेंट करवा ली है, जो कि बोल रहे हैं कि आपके 6,000 वापस। ये बताइए फोन आया था क्या कहा था कि आपका कार्ड बन चुका है डिस्पैच? कह रहे जी आपका कार्ड बन चुका है, ये कार्ड है आपका फलाना फलाना नंबर, हम उसको डिस्पैच कर दें फलाने एड्रेस पे, क्या ये एड्रेस सही है और हम इसको डिस्पैच कर दें। मैंने कहा हाँ जी हाँ कर दो, वो हाँ वर्ड ही उठा लेते हैं, बस हाँ वर्ड से आपकी मेंबरशिप एक्टिवेट हो जाएगी 5,000 रुपये। कोई बताया नहीं जाता 5,000 लगेंगे 6,000, बंदा सामने करो जो मेरे को कार्ड बना के दिया था, मेरे सामने ले आओ, मैं उससे पूछूं अभी किस टाइम तूने क्या, गाड़ी में मेरे कैमरे है रिकॉर्डिंग है, वो बंदा ही नहीं ना पता चल रहा है कहाँ गया, मोटरसाइकिल पे आया था कार्ड बना के फुर्र हो गया, अब मैं गेड़े पे गेड़े काट रहा हूँ। कर दी पूरी पेमेंट? फिलहाल 14,000 रुपये मैंने पेमेंट कर दी है, अब इन्होंने कहा है कि आपके 6,000 रुपये जो है वापस आएंगे। अब देखना होगा कि अगर मेरे 15 तारीख तक नहीं वापस आते, मैंने कहा जुलूस निकाल दूंगा यहाँ पे बता रहा हूँ। इन्होंने आम आदमी से पंगा लिया है, पहली बार इन्होंने पत्रकार से पंगा लिया, करनाल में इन्होंने पंगा लिया था कर्शन उपल से, यहाँ इन्होंने फालतू पंगा ले लिया। अगर मेरे 6,000 रुपये वापस नहीं आए, मैंने कहा जुलूस निकाल दूंगा। यार लोग इकट्ठे कर देंगे जो प्रताड़ित है यार, लोग ऊपर बैठा आपने देखा, पीछे देखो ये लोग भी खड़े हैं परेशान है, कोई ना कोई आपकी वीडियो के नीचे कमेंट भी आना है, देख लेना कि बजाज फाइनेंस से कितने लोग दुखी हैं, और जितने दुखी हैं मैं सारे यहीं इकट्ठे कर दूंगा। तो फिलहाल जितने भी लोग दुखी हैं उन्हें यहीं इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस ने किस तरीके से, एक फ़ोन आता है, जी हाँ एक फ़ोन आता है, और उस फ़ोन के अंदर कहा जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड है डिस्पैच कर दें। तो अगर कोई व्यक्ति हाँ हाँ कर देता है तो समझ जाइए आप 6 से 7,000 रुपये
ठगी का शिकार हो चुके हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी के सतारा सेक्टर के कॉम्प्लेक्स बजाज फाइनेंस के दफ्तर के बाहर, जहां एक आम आदमी नहीं एक पत्रकार को निशाना बना लिया बजाज फाइनेंस ने। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। नहीं देते 5 से 6 हज़ार रुपये ये ठगी मार लेते हैं, बाद में फिर आप चक्कर काट रहे हो। सबसे बड़ी बात, मुझे पैसे का दुख नहीं है, 5 से 6 हज़ार का दुख इस बात का है कि मेरा सिबिल स्कोर इन्होंने डाउन कर दिया। बड़ी मेहनत से बंदा अपनी इज्जत से सिबिल स्कोर बनाता है, पैसे हर किस्त को पूरा करके। मैंने आज तक कोई भी किस्त नहीं कटने दी, मतलब कि बाउंस नहीं होने दिया, चेक नहीं बाउंस, पर इन्होंने 1 मिनट लगाया मेरा इस कार्ड के चक्कर में मेरा जुलूस निकाल दिया। पर मैं इनका जुलूस आने वाली 15 तारीख को निकालूंगा। तो आने वाली 15 तारीख को जो है जुलूस निकालेंगे। ये सरनजीत पत्रकार खड़े थे जिनके साथ कहीं ना कहीं ठगी कर ली गई है जी। ये दफ्तर देख लीजिए, बजाज फैन का दफ्तर आज यहाँ है, 10 दिन बाद इनका दफ्तर भी कहीं और हो जाना है, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं मोहित जी, मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। बजाज फाइनेंस एक ऐसा नाम बन चुका है, ठगी का नाम बन चुका है बजाज फाइनेंस। तो आज कहीं ना कहीं पत्रकार, आम आदमी नहीं एक पत्रकार पीड़ित हो गए। पीड़ित नहीं हूँ मैं तो इनकी पीड़ा काट दूंगा। अगर मेरा इन्होंने 5 हज़ार नहीं वापस किए ना, मुझे सारे तरीके आते हैं, मैं एक आम आदमी नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मेरे को सारे राइट्स पता हैं, सारे कानून हैं। पीड़ा तो मैं नहीं कि निकाल दूंगा बजाज फाइनेंस वालों की। तो इनकी पीड़ा निकाल दी जाएगी, कहीं ना कहीं हम मोर्चा खोल लिया है। बजाज फाइनेंस से अगर कोई पीड़ित है तो वो हमारे से भी संपर्क कर सकता है। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।